राम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हरतालिका तीज के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो है 16 तारीख का लोग है, तो हम लोग जो है हरतालिका तीज के लिए जो भगवान जी बनाने हैं ना, उसके लिए हम लोग मूर्ति लेने के लिए मतलब मिट्टी लेने के लिए गए थे। तो पास ही में जो है प्लाट बनी रहा था, तो बस यहाँ से हम लोग जो है मिट्टी लेने के लिए आ गए हैं। और जे अच्छी है ही ले फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है मिट्टी हमने भर ली है और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई गाड़ी वाला दिख जाए, तो बस पास ही में घर था, तो मिट्टी में वजन बहुत हो जाता है, तो ले जाने का तो बिल्कुल भी सवाल उठता नहीं है। और ये जो है 17 तारीख का व्लॉग है संडे का, तो हम लोग जो है सब लोग मूर्ति बना रहे थे और शाम का टाइम हो गया था, करीब 7-8 बजे के करीब हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि दिन में ही और सारे काम थे और पानी जो है बंद होने का नाम ही नहीं लगता, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो उसी वजह से मेहंदी वगैरह लगवाई, थ्रेडिंग करवाने गए, तो इस तरीके से टाइम पूरा हो गया। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने तो कैसे हैं आप सब लोग? तो अच्छी बनाइयो, मगर मैं अच्छे से देखा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लगभग सारे जो है भगवान जी बन गए हैं। और तीजा पर जो है हमारा सबसे बड़ा काम यही होता है कि लगता है कि पहले बस भगवान जी बन जाएं तो सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने माता जी और गणपति जी और नंदी बाबा, तो तीनों जो है बना दिए हैं। और यहाँ पे दीदी जो है भोले बाबा को बना रही हैं। तो हम लोगों को लगभग रात के 10 बज गए थे यहाँ बनाते बनाते, तो बस। और इसके बाद जो है फिर हम लोग दातुन वगैरह करके सो गए थे। तो तीजा का यही काम रहता है, मूर्ति भगवान जी पहले बन जाए ना, तो उसके बाद दूसरे दिन जो तीजा वाले दिन सिर्फ मंडप बनाना रह जाता है। तो आप लोग शायद, मैं ये ब्लॉग मंडप तक शेयर कर रही हूँ, हम लोगों ने मंडप कैसा बनाया है और इस बार हमने फ्लेरा भी लगाया है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। तो ये देखिए फाइनली हमारे ये भगवान जी बन गए हैं, और रात में हम लोगों ने इनको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया था। और फिर सुबह जो है हम दूसरे दिन जो है तीजा है, तो उसके जो है मंडप वगैरह के लिए फिर बांस वगैरह भी इकट्ठा करना है। तो सामने आपको पत्तियां दिख रही होंगी, और बताइएगा कैसे बनाए हैं, तो बनाना ज़्यादा तो आता नहीं है। और ये है तीजा वाले दिन का ब्लॉग 18 तारीख का कल का। तो यहाँ पे जो है मंडप बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है, मतलब खंभे गाड़ने के लिए, तो यहाँ पे हमको छोटे छोटे से ये गगरे मिल गए थे, तो बस यहाँ पे इनमें हम बजरी भरने के लिए आए थे। पास ही मकान बन रहा था, तो मतलब मकान वगैरह का तो काम चलता ही रहता है, तो मिट्टी जो है ठीक नहीं होती है, भरने में प्रॉब्लम आती है, तो ये बजरी हम भर लाए थे। और यहाँ पर ये देखिए बाँस वगैरह भी आ गए थे, तो इनको भी हम जो लोग काट के, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से चार बांध दिए हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा जो है मंडप का लुक आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो बहुत मेहनत होती है और अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। तीजा का व्रत जो होता है पानी नहीं पिया जाता बिल्कुल ही, तो बहुत अच्छे से टाइम पास भी हो जाता है और टाइम निकल भी जाता है, व्रत का पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे हमारा मंडप भी जो है बन के तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मंदिर वगैरह ना बनाने के बाद मंडप, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे फुलेरा बनाने के लिए, तो उसके लिए जो है फूल वगैरह की जो है माला बनाई जाती है ना, तो वो बना रहे थे, तो फटाफट से जो है फुलेरा बना लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जाके
मंदिर में मंडप में जो है टांग देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है जैसे हमने माला बना ली थी, और ये देखिए ये है फुलैरा जिसको हम बना रहे थे। बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। और बस यहाँ पे पोंछा वगैरह सफाई लगा के करके सफाई, और इसके बाद जो है भगवान जी की हमने इस तरीके से स्थापना कर दी थी, चौकी लगा दी थी पूरी लाइटिंग वगैरह करके। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो है धमाकेदार तीजा की, हमने पूजा की है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।